Hello children, this is Nisha and today we are going to have those topics, those grammar portion which we had already studied in our previous classes. I believe that your teacher taught you. If you are not taught, agar padhai nahi gaya hai, if you have skipped the class, you were absent. So don't worry, I'll clear it right now. And one more statement I want to make for class 6. Don't think that which book is it. This is going to help all the students if they don't have clear concept about the topic. So class 6 students, you don't have to worry about ki mere hamare paas to book hi nahi hai, because everything is here written, sab kuch likha hua hai. Just you have to understand the concept, because I'll be clearing the concept here also. So here the first exercise, class 5, match the question and answer and write them on the lines below. So here some questions are written, yahan par questions likhe hain and unke answers yahan par likhe hue hain. So what you have to do, you have to recognize, you have to see the correct answer is going to match with them. Kaun sa, सपोज यहाँ पे लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, सो आपको आंसर इसी में ही मिलेगा. बट जो भी आंसर मिलेगा, यू आर गोइंग टू राइट हियर बिलो दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यहाँ पे लिखेंगे राइट. अब हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि इसका आंसर इसमें कौन सा होगा? इट्स वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट ओपन योर माइंड एंड वॉच द वीडियो. व्हाट आर यू डूइंग? सो चिल्ड्रेन, जब हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो जिस काल में करता है, जिस टेंस में करता है, उसमें ही हम आंसर पलट कर देते हैं. अगर मेरे से किसी ने पूछा तुम खाना खाओगी, तो मैं यही कहूँगी हाँ मैं खाना खाऊँगी. तुमने खाना नहीं खाया है? क्या तुमने खाना नहीं खाया? तो मैं कहूँगी हाँ मैंने खाना नहीं खाया है, या फिर नहीं मैंने खाना खा लिया है. ठीक है, सो हियर इफ यू सी आर, ठीक है, अब हमें देखना है व्हाट आर यू डूइंग. अगर हमसे कोई कुछ पूछता है वेयर आर यू गोइंग या व्हाट आर यू डूइंग, सो हम आंसर आई के साथ ही देंगे, और आई के साथ हम आर तो नहीं लगाएंगे. आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम. हमने ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ के रखा हुआ है. ठीक है, सो व्हाट आर यू डूइंग का आंसर क्या हो सकता है? सी, पहले तो यू है तो हम पलट कर आई बोलेंगे. सो इफ यू सी आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, सो हमें देखना है यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज़ है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज़ है, आई के साथ एम यूज़ है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म भी नहीं और एम भी नहीं है. देन वी विल अंडरस्टैंड दिस इज़ द राइट आंसर, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? आई एम मेकिंग अ पेपर. विल योर ब्रदर बी एट होम? अब सी यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है विल. अब हमें अगर इसका मीनिंग भी ना समझ में आए तो भी हम देखेंगे कि विल, तो यहाँ पर हम देखेंगे विल कहाँ पर है. विल 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 कहीं नहीं मिला, बट यस इट इज़ देयर. कैसे? विल, विल नॉट. विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? वोंट. सो अब हम समझ जाएंगे यहाँ पर कि यही आंसर होगा. दिस इज़ द ओनली राइट आंसर. हाउ? लेट्स सी. क्या तुम्हारा भाई घर पर है? नो, ही वोंट, वो नहीं है. ही इज़ वर्किंग, वो काम कर रहा है, वो घर पे नहीं, वो काम कर रहा है. हैव यू ब्रॉट द टिकट्स? क्या तुमने टिकट्स खरीद लिए हैं? तो यू के साथ, यू जब आंसर देगा तो हम आई बोलेंगे. सो आई हैव, सी कहीं आई हैव आपको मिला हो? यस. नो आई हैव, यानी आई के साथ हैव लगना चाहिए. अब आंसर, क्योंकि क्या आपने टिकट्स ख़रीद लिए हैं? कोई आपसे पूछेगा तो ऑफ कोर्स कहोगे नहीं नहीं मैंने टिकट्स नहीं खरीदे, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं था टिकट्स खरीदने. ठीक है, सो आई हैव नॉट, आई हैवंट, यानी हाँ मैंने नहीं खरीदे हैं. वेयर इज़ योर सिस्टर? माई सिस्टर कहाँ है? तो अब हमें देखना है माई सिस्टर हो जाएगा, और माई सिस्टर क्योंकि एक है तो सिस्टर के साथ हम इज़ लगाएंगे. अब देखिए कहीं पर, और सिस्टर है तो शी भी हो सकता है. अगेन दैट्स हर ओवर देयर, कहीं देखिए इज़ यहाँ पर मुझे लगता है जेनी है. नो, गलत है, ये भी नहीं होगा.
सो दिस विल बी द आंसर, दैट्स हर ओवर देयर, यानी वो वहाँ पर है. ठीक है, कहाँ पर है? वो वहाँ पर है. आर द चिल्ड्रन डांसिंग? अब अगेन हमें देखना है, चिल्ड्रन है तो आंसर में दे हो जाएगा या फिर हम चिल्ड्रन लगा देंगे, एंड आर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए. सो लेट्स सी, ये भी नहीं होगा, दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर. दिस इज, सो दिस इज़ द राइट आंसर, येस दे आर. यानी क्या बच्चे डांस कर रहे हैं? हाँ वो कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर यू डोंट हैव टू थिंक कि यहाँ पर पूरी लाइन नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर सब येस और नो में आंसर दिया है. सो इन जनरली इन स्पोकन और इन राइटिंग इवन हम आंसर शॉर्ट में ही देते हैं, बिकॉज वैसे तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, बट सामने वाले के पास क्या पता इतना टाइम ना हो आपकी पूरा लंबा सा सेंटेंस सुनने का. सो हमने शॉर्ट में बोल दिया येस दे आर, यानी हाँ वो ऐसा कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं. देन हु इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास? कौन सी सबसे लंबी लड़की है इस क्लास में? तो यहाँ पर देखेंगे अगेन हु इज़, यानी इज़ होना चाहिए. यहाँ पर आई थिंक इट्स जेनी, मुझे लगता है ये जेनी है. तो हमने पूरा नहीं लिखा कि जेनी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, हमने बस सिंपली लिख दिया, या हमें सिंपली बोल देना है आई थिंक इट्स जेनी, या फिर इट्स जेनी भी करेक्ट आंसर है. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज. चिल्ड्रन विल कवर ईच पेज ऑफ द एक्सरसाइज, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हमने क्वेश्चन आंसर सीखे थे, दैट्स वाई हैव कवर्ड दिस पेज स्टूडेंट, बिकॉज हमने लास्ट क्लासेज में क्या पढ़ा आई डोंट नो, राइट? और मैं एक एक बच्चे से पूछ भी नहीं सकती बिकॉज शायद वो आया हो या ना आया हो. सो लेट मी टेल यू कि जो आपका ये स्टार्टिंग के पेजेस हैं ग्रामर के, क्लास फिफ्थ से मैं बात कर रही हूँ. सो ये पेज मैं कवर करूँगी, एंड देन आई विल कवर दिस पेज, बिकॉज हमने टेंसेस पढ़े हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट हमने पढ़ा हुआ है, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा हुआ है. ठीक है, एंड देन वी विल कवर दिस ऑल्सो. अब तो आप आपके ग्रुप पे एक लिस्ट आई थी वर्ब के सेकेंड थर्ड फॉर्म की, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू गेट ऑल दीज थिंग्स, ऑल द यू नो फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑल द ब्लैंक्स. अगेन आई विल कवर दिस एक्सरसाइज टू, ये वाला कवर करेंगे, बट आई विल लीव दिस एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज मैं छोड़ दूँगी. यहाँ से लेकर कंप्लीट ये वाली एक्सरसाइज आई विल ड्रॉप, एंड दिस वन इसको मैं कवर नहीं करूँगी बिकॉज हमने पढ़ा नहीं है. सो जब हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे आई एम मेकिंग श्योर कि हम इस टॉपिक को कवर करने के बाद ही इस एक्सरसाइज को करेंगे. इवन यू विल डू योरसेल्फ, राइट? सो स्टूडेंट्स दिस इज फॉर टुडे, एंड दिस इज द एक्सरसाइज विच यू आर गोइंग टू डू इन योर वर्कशीट, इन योर ग्रामर बुक, एंड देन यू विल गेट मी द क्लिक और द स्नैपशॉट ऑफ योर होम असाइनमेंट. सो चिल्ड्रन थैंक यू, बाय बाय.